thank you Grammar geek. आज हम बात करेंगे बच्चा लेकर होता है आई होप यू नो दिस जनरली यूज फॉर टू रीजन फर्स्ट इज फॉर कॉन्ट्रैक्शन एंड सेकेंड इज पजेशन जब आप कोई वर्ड में से कोई एल्फेबेट को हटाते हो तो उसकी जगह आप एपोस्ट्रॉफी लगाते हो ठीक है पजेशन के लिए भी जैसे कि इट डोंट वारी डू नॉट वारी है वो वोट विल नॉट सो यू कैन सी जब कोई वर्ड आप हटा लेते हो उस वर्ड को हटाने की जगह पे एपोस्ट्रॉफी का यूज होता है सो दिस इज फॉर द पर्पज ऑफ कॉन्ट्रैक्शन जैसे मैडम एंड यू राइट दिस मैम

So, का कि व की का काम कौन करेगा ए पोस्ट्रॉफी बट वी जनरली नो फॉर प्लूरल फॉर प्लूरल्स लाइक बॉयज हॉस्टल लड़कों का हॉस्टल सो वॉट यू डू यू जस्ट पुट एन ए पॉस्ट्रॉफी दे बॉयज हॉस्टल लड़कों का हॉस्टल जेनरली विथ सिंगुलर वर्ड्स बे वेन एंड इन एस लाइक कालिदास का का काम बहुत अच्छा लगता है कालिदास तो का काम के लिए कुछ लोग सिर्फ एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं S, वर्क. So वर्क. Next, को नहीं लगती है नंबर्स को क्या लगता है सिर्फ एस जैसे नाइनटीन ट्वेंटीज में ऐसा हुआ नाइनटीन सिक्सटीज में ऐसा हुआ दिस so इज With respect to numbers, two apostrophes can never be together. Shubham, Sirs, Academies, results—wrong English. Sirs and Academies will never come together. Two apostrophes will never come together. Together means next to next. Next, nee bilkul. Shali, let's go for the next part, and that's grammar geek. Let's start with something with respect to voice: active voice and passive voice. We are talking about grammar geek, the advanced part of grammar. पैसिव पैसिव वॉइस वॉइस क्यों यूज की जाती है किसी भी सेंटेंस में रीडर का ध्यान आकर्षित करने के लिए लिया जाता टू अटेंशन ऑफ द सेंटेंस पैसिव वॉइस इज यूज फॉर एग्जाम्पल माइ बाइक अभी फोकस किस पे चले गया बाइक पे समोल माई बाइक तो किसी पे फोकस चला गया वी ऑफन यूज पैसिव वॉइस व्हेन वी प्रेफर नॉट टू मेंशन हु और व्हाट डस द एक्शन इट्स नॉट नोन इट्स ऑबवियस और वी डोंट वांट टू बेसिकली हमारा ज्यादा फोकस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे होता है देने के लिए जब हमारा ज्यादा फोकस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट पे करना है तो हम पैसिव वॉइस देते हैं जब हमको ज्यादा फोकस सब्जेक्ट पे करना है तो हम एक्टिव वॉइस लेते जस्ट टू चेंज द फोकस ऑफ द सेंटेंस वी मूव फ्रॉम एक्टिव टू जनरलीसिव वॉइस में फॉर्मेशन ग्रामेटिकली कैसे होता है

फर्स्ट इज अ वर्ब एंड सेकेंड इज अ पार्टिकल प्रेजल वर्ब्स को जनरली इनफॉर्मल लैंग्वेज में ज्यादा यूज किया जाता है और बी आई वालों के बहुत फेवरेट है चाहे प्री हो मेन्स हो पी हो असिस्टेंट हो ये फ्रेजल वर्ब से पीछा छोड़ते नहीं एस बी आई वालों को फ्रेजल वर्ब्स बहुत पसंद है तो फ्रेजल वर्ब्स नथिंग बट वर्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ अ वर्ब एंड अ पार्टिकल नो वट इज अ पार्टिकल इन इंग्लिश पार्टिकल ऐसा शब्द होता है बेसिकली जिसमें खुद की कोई ताकत नहीं है खुद में कोई ताकत नहीं है बट अगर वो वर्ब के साथ जुड़ जाए तो वर्ब का मीनिंग बदलने की ताकत रखता है अगेन रिपीट पार्टिकल में खुद का कोई अस्तित्व का मीनिंग नहीं है बट अगर वो वर्ब के साथ जुड़ जाए तो वर्ब का मीनिंग चेंज करने की ताकत रखता है पार्टिकल्स कैन बी इंटरजेक्शन कोई अस्तित्व नहीं है लेकिन वर्ब के साथ जुड़ जाए तो मीनिंग बदलने की हिम्मत रखता है ओके अ पार्ट ऑफ अ वर्ड और अ वर्ड दैट हैज ग्रामेटिकल पर्पज बट ऑफन हैज लिटिल और नो मीनिंग उसका सिर्फ ग्रामेटिकल यूज है उसका मीनिंग एज सच नहीं होता है जैसे आई काइडेड अप द रूम सो आप इज एक्टिंग एज अ नेक्स्ट कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो सेपरेबल हैं। सेपरेबल यानी आप इनको साथ में भी लिख सकते हैं आप इनको अलग भी कर सकते हैं दीज आर सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स कुछ ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जो सेपरेबल हैं। साथ में भी लिख सकते हैं अलग भी रख सकते हैं जैसे कि दे हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग कॉल्ड ऑफ यानी कैंसिल कर देना दे हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग दोनों बराबर है दे हैव कॉल्ड द मीटिंग ऑफ करेक्ट और दे हैव कॉल्ड ऑफ द मीटिंग यहां पे आपने इसको अलग लिखा सेपरेबल इसके बीच में कोई दूसरा वर्ड आया आपने इसको साथ में लिखा दैट इज ऑल्सो करेक्ट ठीक है सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स जनरली अपने बीच में प्रोनाउन को लाते हैं सेपरेबल फ्रेजल वर्ब्स जनरली अपने बीच में किसको लाते हैं जनरली आई एम सेंगे किसको लाते हैं प्रोनाउन को लाते हैं ठीक है सो आई डेंट वॉन्ट टू ब्रिंग दिचुएशन सिंह अबाउट अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट ब्रिंग अप को आपने दूर लिखा दबल उनके बीच में कोई शब्द आ सकते हैं द सेकेंड इज नॉन सेपरेबल नॉन सेपरेबल यानी ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स है जिनको आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते हैं. ये ऐसे फ्रेजल वर्ब्स हैं जिनको आप एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकते फॉर एग्जाम्पल लुक्स आफ्टर द बेबी वेन यू आर एट वर्क लुक्स आफ्टर को आप अलग नहीं कर सकते ठीक है आई केम अक्रॉस केम अक्रॉस को आप अलग नहीं कर सकते यू cannot add वर्ड्स इन बिटवीन them. द the caterpillar turned into, turned into को आप अलग नहीं कर सकते Okay. So basically, get over, get over again. These are non separable. You cannot separate them. You cannot separate these phrasal verbs. Next is with two particles. With two particles, get on with. Can you see this? Get rid of. Can you see this? Put up with. These are two particles. Phrasal verbs with two particles. प्रेजल वर्ब्स के कितने टाइप है तीन द फर्स्ट इज सेपरेबल नॉन सेपरेबल एंड टू पार्टिकल टू पुट अपट विश्व करना किसी को गेट ऑन विध किसी के साथ रखना गेट रिड ऑफ किसी से पीछा छोड़ाना सो दीज आर प्रेजल वर्ब्स विथ टू पार्टिकल्स क्लियर लेट्स गो फोर ग्रामर गीक ग्रामर गीक में आज स्पेशली मैं लेना चाहती हूँ क्वेश्चन टैग्स तो ज्यादा नहीं पूछा जाता है बट इट इज जनरलीटिव एग्जाम्स इन एग्जाम क्वेश्चन टैग में क्यों यूज हुआ है बेसिकली क्वेश्चन टैग क्या है स्टेटमेंट को जब आप एक लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा के पूछते हो दैट बिकम्स अ क्वेश्चन टैग क्वेश्चन टैग क्यों है जब स्पीकर अपनी बात सामने वाले को मनवाना चाहता है और ये सुनना चाहता है कि मैं सही बोल रहा हूं तो क्वेश्चन टैग आता है जैसे मैंने तुमसे कहा था ना है ना है ना दैट इज क्वेश्चन टैग स्पीकर जब अपनी बात सामने वाले से कंफर्मिटी लेता है मनाना चाहता है सही साबित करना चाहता है तो वो क्वेश्चन टैग लगाता है अब इसको कैसे यूज किया जाता है क्वेश्चन टैग को ना प्लीज लिसन अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव आता है अगर सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन नेगेटिव आता है पॉजिटिव okay? so है, तो नेगेटिव क्वेश्चन टैक्स एंड वाइस वर्सा शी इज अ डॉक्टर इज तो क्या आ गया Isn't. Next, नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है ही he isn't here. तो इज ही

और वी कैन से अगर है जैसे कि वी कैन गो फॉर इट अगर मॉडल ऑक्सिलरी है ही नहीं या हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो जेनी ईट शीज शी स्टूडेंट्स एक जो बहुत इंपॉर्टेंट है ए एम एम के लिए अगर नेगेटिव फॉर्म लेना है क्वेश्चन टैग का तो वो आरंट होता है ओके okay? वो आरंट होता है जैसे कि आई एम गोइंग टू गेट एन ईमेल और जिन वर्ब्स के आगे अगर टू तो प्लस वी वन लगा तो सेंटेंस का मीनिंग बदल जाता है कुछ ऐसी क्रियाए हैं कुछ ऐसी क्रियाए हैं जिनके आगे अगर आई एन जी लगता है तो अ डिफरेंट मीनिंग टू सेंटेंस और कुछ ऐसे हैं जिनके आगे अगर टू प्लस लगता है तो they will give a different meaning to the sentence. कैसे मैम दिखाइए आई स्टॉप बाइंग द न्यूज पेपर मैंने न्यूज पेपर खरीदना बंद कर दिया ही स्टॉप बाइंग द न्यूज पेपर ठीक है मैंने न्यूज पेपर खरीदना बंद कर दिया आई स्टॉप टू बाई द न्यूज पेपर मैं न्यूज पेपर खरीदने के लिए रुक गया न्यूज पेपर मैं न्यूज पेपर खरीदने के लिए रुका मैंने न्यूज पेपर खरीदना बंद कर दिया ही स्टॉप बाइंग न्यूज पेपर एंड ही स्टॉप टू बाय न्यूज पेपर सिंपल नेक्स्ट Some verbs will have a different meaning when they are succeeded by ing or 2 plus v1. 2 plus v1 is nothing but what? Infinitive. Let's take some more examples. Okay. Remember plus ing I, or forget plus ing I, So they will have different meanings. Remember plus ing I, forget plus ing I, So they will have some different meanings. For example,

प्लीज रिमेंबर टू बाई द वेजिटेबल्स प्लीज रिमेंबर टू बाई द वेजिटेबल्स वेजिटेबल्स खरीदने के लिए याद रखो वेजिटेबल्स खरीदना है ये याद रखो राइट प्लीज रिमेंबर वॉचिंग दिस फिल्म प्लीज रिमेंबर वॉचिंग दिस फिल्म आई रिमेंबर वॉचिंग दिस फिल्म ये पिक्चर मैंने देखी थी सो वेन यू से रिमेंबर प्लस आई एन जी पास्ट रिमेंबर प्लस एन इन्फिनिटर The thing that you have to do, you haven't done the act before. Okay?